अमित शाह ने जामपुर महानगर पालिका चुनाव 2017 यहाँ का प्रचार चरम सीमा पर है, पर हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि जहाँ पर कुछ न कुछ प्रत्याशी जाकर के डोर टू डोर जो मुलाकात हो रही है उसमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है मैं जानकारी देना चाहूँगा। खैर कांग्रेस प्रत्याशियों की तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ और वैसे भी न जाने कितनी प्रत्याशी ऐसे हैं भिवंडी शहर में जो अपने पार्टी को लेकर के या अपने उम्मीदवारों को लेकर के कहीं शक में है, लेकिन यहाँ पर भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका की जो तस्वीर है कांग्रेस प्रत्याशियों की वो हम आपको दर्शाना चाह रहे हैं कि वो निर्भय होकर के काम करना चाहते हैं क्योंकि उनका जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा जो है उसको लेकर के जाना चाह रहे हैं। न जाने कितने वर्षों से यहाँ पर बस्तियाँ बसी हैं पर इनको सुविधा जो नहीं मिल पाई है उसको लेकर के इन्होंने अपने दिल में ठाना है कि पूरी की पूरी यहाँ पर व्यवस्था देंगे। चर्चा करते हैं प्रत्याशियों की। खैर यहाँ पर जो सेठे परिवार है पहले से यहाँ पर उम्मीदवारी कर चुके हैं लेकिन उनकी क्या राय है वो हम जानना चाहते हैं। मैडम जिस तरीके से तस्वीर बन रही है, जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, जो आप डोर टू डोर जा रही हैं वहाँ क्या रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, किस तरीके से आपको नमाज रहे हैं? आज तक ये वार्ड में अब का विकास हुआ ही नहीं, अब की बार बहुत मतलब कम विकास होने लगा है। तो हर जगह हम जाते हैं तो हर जगह पानी की समस्या, कचरा की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि लोग बहुत हैरान हो गए हैं। तो हम लोग इसको आगे हमें चांस मिलेगा तो हम ये सॉल्व ज़रूर करेंगे। क्या कल्पना है तस्वीर जो किस तरीके का विकास करना है आपको, क्योंकि ये स्लम एरिया जो है वैसे अक्सर करके यहाँ देखा गया पौधे ज़्यादा है, लेकिन स्लम एरिया में क्या विकास करना चाहिए? अभी उन्होंने बताया कि हमारे इधर लाइट का बहुत प्रॉब्लम है तो लाइट का तो पहले सॉल्व करेंगे, वो कचरा का है वो भी करेंगे और उसके अलावा जो उनकी कोई समस्या हम लोग को बताएंगे वो हम जरूर काम करना चाहती है। और क्या कल्पना है, क्योंकि युवा वर्ग सबसे ज़्यादा इसमें अगर भाग लेगा तो निश्चित रूप से तस्वीर बदल सकती है, तो किस तरीके की कल्पना है विकास की? सबसे पहले अपना नाम लेना चाहती हूँ, मेरा नाम ऋषिका पप्पू राका है और जैसे आपने कहा है पापा तो यहाँ सालों से काम करते आ रहे हैं पर हमेशा कहा जाता है कि जो हमारे वड़िल नहीं कर पाए वो हम करना चाहते हैं। और एक बात है कि बचपन से यहाँ पली बड़ी हूँ, बचपन से यहाँ मैंने सब कुछ किया है पर अंतिम वक्त पर जब खुद को बाहर लेके जाना था, एक काम करना था, कोई जॉब करना था तो मुझे भिवंडी के बाहर जाना पड़ा। वो क्यों जाना पड़ा ये मैं भिवंडी में बदलना चाहती हूँ, ऐसा बनाना चाहती हूँ कि कल उठ के आपके बच्चों को भिवंडी से बाहर ना जाना पड़े, जो सुविधाएं हैं एडुकेशन हेल्थ केयर वगैरह सब कुछ भिवंडी में ही मिले और भिवंडी का विकास पूरे समाज का साथ में मिले। क्या कल्पना है तुम्हारे मन में, किस तरीके से विकास चाहती हो, क्योंकि यहाँ पर दुकान मकान और कारखाने और घर जो रहने के स्थान वो सारे के सारे एक ही नज़र आते हैं। सही बात है अंकल, एकदम सही कहा है आपने, कचरा इलेक्ट्रिसिटी ये सब का जो प्रॉब्लम है वो तो हमें साफ करना ही है पर इससे आगे भी सोचने वाला कोई इंसान चाहिए जो एडुकेशन के बारे में सोच सके। इतने बच्चों से मैं मिली हूँ लास्ट इतने दिनों में, उनकी पढ़ाई का क्या, वो आज भी वही पढ़ रहे हैं जो 50 साल से पढ़ाया जा रहा है, जबकि आप अगर बॉम्बे या कहीं और जाएंगे तो वो 100 साल आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनकी पढ़ाई का, उनके हेल्थ केयर का ये सब ध्यान में रखना चाहती हूँ और ये सब विकास लाना चाहती हूँ। जिस एरिया में खड़ी हो वहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ शौचालय की है, जबकि यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने हरंगारी मुक्त योजना की जब बात कर रही है और यहाँ पर हर एक घर में शौचालय नहीं है, उसको किस तरह से लाना चाहिए? देखिए भिवंडी में जगह की कमी भी बहुत है, कंजेशन बहुत है, तो सबसे पहले हम वो जगह की कमी को सुधारना चाहेंगे और जैसे जैसे जगह बनेगी हम शौचालय का एक ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। आजकल म्यूनिसिपल के बहुत से मूवेबल शौचालय आते हैं उनको लाना चाहेंगे और उस तरीके से एक साफ़ सुथरी भिवंडी बनाना। इनके घरों में कब शौचालय दोगे ताकि इनके घर में शौचालय बने? देखिए जी ड्रेनेज का काम जैसे शुरू हो जाएगा, पानी का काम जैसे शुरू हो जाएगा, घर में शौचालय लाना ज़्यादा दूर नहीं है।